चित्रकूट में बच्चों के साथ स्कूल बस को किया था सीज, सीएम योगी ने लिया ये बड़ा एक्शन। 125 बच्चों के साथ दो स्कूली बसों को परिवहन विभाग ने किया था सीज। चित्रकूट आरटीओ की ओर से की गई कार्रवाई पर भड़के थे अभिभावक। सरकार ने प्रशासन से ली रिपोर्ट और सीएम योगी का इन अधिकारियों पर चला हंटर। चित्रकूट में बच्चों के साथ स्कूली बस को सीज किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। इस प्रकार के मामले में असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया गया था। मामला सीएम के संज्ञान में आने के बाद दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बच्चों से भरी बस पुलिस लाइन में खड़ी किए जाने का यह मामला था। आपको विस्तार से बता दें, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में परिवहन विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और अमानवीयता का मामला सामने आया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाली बसों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। सीएम योगी के आदेश के बाद परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश भर में अवैध तरीके से चलने वाली बसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा चित्रकूट में बच्चों से भरी बस को ही जब्त कर लिया गया। ऐसा मामला जब सामने आया तो जनपद में हड़कंप मच गया। इस खबर को सबसे पहले ग्राउंड जीरो ने ही चलाया था और इस खबर के चलते ही जिले में हड़कंप मच गया और ये बताया गया कि अभिभावक बेहद परेशान हैं, उन्हें अपने बच्चों का पता ही नहीं लग पा रहा। घंटों मशक्कत के बाद जब पता लगा कि परिवहन विभाग ने जब्त की गई बस को पुलिस लाइन में छोड़ दिया है, इसके बाद सरकार के कान खड़े हुए और फौरन उसे स्कूल बस को भेजा गया। इसके बाद बच्चों को अभिभावक तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले सरकार ने चित्रकूट प्रशासन से पूरे मामले पर रिपोर्ट मंगाई थी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला क्या है। चित्रकूट में छुट्टी के बाद दोपहर में बच्चों को स्कूल से छोड़ने वापस आ रही बस को चेकिंग के दौरान रोका गया। पुलिस लाइन में खड़ी कराने के मामले में सरकार ने संज्ञान लेते हुए डिविजनल इंस्पेक्टर प्राविधिक को निलंबित किया। वहीं एआरटीओ विवेक शुक्ला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 11:15 की है। हो में संचालित 3G इंटरनेशनल कॉलेज की दो बसें छुट्टी होने के बाद स्कूल से बच्चों को वापस लेकर उनके घर छोड़ने करबी की तरफ आ रही थी। इन बसों में करीब 125 बच्चे सवार थे। मामले के संबंध में जानकारी आई है कि पुलिस लाइन तिराहा के पास इन दोनों बसों को एआरटीओ प्रवर्तन विवेक शुक्ल की टीम ने रोक लिया था, जिसके बाद फिटनेस एक्सपायर होने के कारण इन दोनों बसों को सीज कर पुलिस लाइन ले जाया गया। फायर सर्विस परिसर पुलिस लाइन में स्कूल की बस खड़ी करा दी गई। इसके बाद बस चालकों ने स्कूल प्रबंधन को इस बारे में जब जानकारी दी, स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को बच्चों के विलंब से पहुंचने की सूचना व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर की। बच्चे करीब एक घंटे तक घर नहीं पहुंचे। भूख और प्यास से बिलबिला रहे बच्चों के साथ हुई इस अमानवीयता के मामले में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद जनपद में सभी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे। फिलहाल दोनों बसों का चालान कर इस बस को करीब 1 बजे छोड़ा गया था। इसके बाद बच्चे घर पहुंचे थे। लगभग 2 घंटे तक बच्चों के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है और चित्रकूट के इस मामले में दोनों अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या परिवहन विभाग, जो हमेशा खबरों में बना रहता है, जिसकी कह सकते हैं कि इस विभाग में दलाली के चर्चे रहते हैं, इस विभाग द्वारा ट्रकों और जो वाहन है उनसे पैसे लेने की बात सामने आती रहती है, करप्शन भ्रष्टाचार से लिप्त ये विभाग क्या ऐसी कार्रवाइयों से अपने आप को एक बार फिर कलंकित नहीं कर रहा है? बने रहिए ग्राउंड जीरो के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।